नमस्ते जी, कैसे हो सब? मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ, राजपूत जॉन से। आपके लिए सेक्टर 125 मोहाली SAS नगर में 4BHK स्पेनिश विला लेकर आया हूँ। बिल्कुल रेडी टू मूव में रहने वाले हैं। 1 मंथ पोजेशन रहेगी, ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में अवेलेबलिटी रहेगी। ये हमारी वेस्ट फेसिंग है, बिल्कुल इसके सामने हमारी ईस्ट फेसिंग आ जाती है। बहुत अच्छी सोसाइटी, स्पेशियस टाउनशिप है हमारी। ये हमारा गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 2 और 3 पे फ्लैट्स बने हुए हैं, 82 फ्लैट्स हैं। 5.5 एकड़ की सोसाइटी रहेगी हमारी। यहाँ पे आपको प्रॉपर दोनों तरफ रेन वाटर मिलेंगे, अंडरग्राउंड वायरिंग मिलेगी, जिसकी होदी भी अंडरग्राउंड रहेगी, अंडरग्राउंड सीवरेज है सारा। और जो हमारा बाहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का MC का सीवरेज है, उसके साथ ही अटैच है। रेन वाटर, स्टोन वाटर, सीवरेज सब अटैच है बाहर। और जो हमारा फ्रेश वाटर है वो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ अटैच रहेगा। ये हमारी 3 गेटर टाउनशिप सारी रेडी टू मूव में रहेगी। फ्लैट्स सेल आउट हो चुके हैं। जो हमारी विलास की इन्वेंट्री है वो अभी पड़ी है यहाँ पे। ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में आपको विला मिल जाएगा, बिल्कुल रेडी टू मूव में है। और मेरी तरफ से गुड विशेज रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। जो हमारी वायरिंग है, कोई भी वायर, कोई भी खंबा सोसाइटी में लगा नहीं हुआ, कोई भी वायर ग्रिल को टच करके नहीं जाएगी। यहाँ पे सारी वायरिंग अंडरग्राउंड है। थोड़ी बहुत जो अभी वायरिंग हो रखी है यहाँ पे, अभी हमारी पोजेशनें चल रही हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल सोसाइटी के गेट के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मीटर लगे हुए हैं सोसाइटी के, और आगे 34 शॉप्स हैं। 10x27 और 10x15 की पार्किंग है। कल को आपके घर पे रिलेटिव वगैरह आते हैं, यहाँ पे कोई फंक्शन होता है आपके घर में, तो आप बाहर गाड़ी खड़ी कर सकते हो। बाकी वॉल टू वॉल यहाँ पे 45 फिट का रोड है, और ग्रिल टू ग्रिल जो बाहर की बालकनी ग्रिल, यहाँ पे 35 फिट का रोड रहेगा। सोसाइटी के बिल्कुल लास्ट में एल शेप में जो पार्क कंप्लीट है हमारा, वहाँ पे भी स्पेस अच्छी है। कम से कम भी 20-25 गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएंगी। जो हमारे विलाज हैं यहाँ से लेके वहाँ तक बने हुए हैं। एक रो में 12 विला हैं और एक रो में इधर 16 विला रहेंगे, 26 विला टोटल हैं। साथ में पार्क है, जो वो टावर है, बड़ा टावर है बिजली का, वो अपनी सोसाइटी से बाहर है। ये गेटर टाउनशिप है, गार्ड भी यहीं पे बैठता, अभी भी वहीं पे बैठा है, डे में भी रेडी टू मूव में है। और इसमें प्रॉपर आपको 4 बेडरूम, 4 अटैच वॉशरूम, 2 ड्राइंग रूम, 2 मॉलर किचन मिल जाएगी। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे 2BHK 2 बेडरूम, 2 अटैच वॉशरूम, ड्राइंग रूम, मॉलर किचन है। फर्स्ट फ्लोर पे भी एज इट इज ही बना हुआ है। टॉप फ्लोर पे ये मॉन्टी है, इसको आप स्टोरेज कर सकते हो। बाकी एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबलिटी रहेगी। जब मर्जी हो विजिट करने के लिए, यहाँ पे हमारा स्टाफ, मैं, हर बंदा यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। आने से पहले बस कॉल कर लो, होते अवेलेबल हैं। फिर भी कई बार कोई इमरजेंसी आ जाती है, यहाँ पे कोई होता नहीं, कोई फंक्शन आ गया स्टाफ का, कोई हमारी इंसेंटिव डे आ गया, कोई हमारा सैलरी डे है, कोई सी भी मीटिंग हो सकती है, तो यहाँ पे कई बार अवेलेबल नहीं होते। आपने आउट ऑफ स्टेशन से आना तो फिर हमारे को दिक्कत आ जाती है। बस आओ, 7 डेज अवेलेबलिटी है, बस आने से पहले कॉल है। और 22.5x45 रहेगा इसका साइज। और जो सबसे मेन चीज़ है जी, मेरी तरफ से गुड विशेज हैं। आपने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगानी है, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो इसकी, तो लैंड की परचेजिंग के हिसाब से यहाँ पे रेट भी बहुत है। यहाँ पे 10-12 करोड़ रुपये एकड़ रहेगा। खरड़ में यही चीज़ आपको 69-90 के बीच में मिल जाती, पर यहाँ पे जो इसका प्राइस रहेगा वो 89-90 में है। लैंड की परचेजिंग के हिसाब से रेट है। आपने सारी ज़िंदगी की अपनी कमाई लगानी है, बहुत 10-15 जगह विजिट करो, अच्छे से देखो, अच्छी चीज़ परचेज करो। गुड विशेज है हमारी हर टाइम पे आपके साथ। अभी मैं एंटर कर लिया है मैंने विला में। जो हमारा ये स्पेनिश विला का सैंपल बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आपको एज इट इज स्पेस मिल जाएगी यहाँ पे, पर 7 सीटर नहीं, यहाँ पे 5 सीटर गाड़ी खड़ेगी, अल्टो स्विफ्ट वगैरह, i20 वगैरह खड़ी हो जाएगी आराम से। लेफ्ट साइड पे जो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे 2 व्हीलर 2-3 के करीब खड़े कर सकते हो, गार्डन अच्छा बना सकते हो झूले के साथ। इतनी लंबी ही विंडो फर्स्ट फ्लोर पे है, चौड़ाई में विंडो फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, क्योंकि सबके ऊपर हमने डोर बीम डाले हुए हैं। यहाँ पे पैनल आ जाता है वायरिंग का, फर्स्ट फ्लोर पे भी एज इट इज रहेगा। अलग अलग पैनल इसलिए रखे हुए हैं, अगर ऊपर रेंटल 22,000 रुपये रेंट है फर्स्ट फ्लोर का फर्निश्ड करके, अगर विदाउट फर्निश देते हो तो 18,000 रुपये रेंट है। तो आप यहाँ पे सब मीटर ऊपर लगा सकते हो। इस ये वाला मीटर आपका जो मेन मीटर है उसके साथ नीचे का हो जाएगा कनेक्शन।
गोदरेज का फिंगरप्रिंट लॉक मिल जाता है आपको, और यहाँ पे स्पेशियस आपको ड्राइंग रूम मिल जाएगा। चार बेडरूम है, चार अटैच वॉशरूम है प्रॉपर, टू ड्राइंग रूम प्रॉपर है एज इट इज, जैसा ग्राउंड का देख रहे हो एज इट इज फर्स्ट फ्लोर का, टू मॉडलर किचन रहेंगी। सबसे पहले आ जाते हैं फाइव सीटर सोफा है, यहाँ पे आप थ्री कोड में सेवन सीटर सोफा लगा सकते हो। लकड़ी का जो काम हुआ हुआ है, डिजाइनर वर्क है वॉल पे, आपको एज इट इज ही मिलेगा विदाउट कॉस्ट है। और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत अच्छी लगने वाली हैं, जैसे पैकेजेस। लोगों का क्या सिस्टम हो गया आज के टाइम में, बिल्डरों का पैकेजेस के साथ ही चलते हैं कि जी सीलिंग का पैकेज है जी, एलसीडी पैनल वॉल पे वर्क है, ये नहीं देंगे फलाना ढिमका विमका, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करके आपके सामने हर चीज़ रखी जाती है। और पैकेजेस आज के टाइम में ये भी बनने स्टार्ट हो गए हैं कि इसकी इतनी कीमत है, अगर आप ये चीज़ बीच में लोगे तो इतनी है, 4 BHK बनाओगे 3 BHK बनाओगे, पर यहाँ पे हमारे जो MD सर हैं वो बनाते ही 4 BHK हैं, कि बंदे की रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाती है। वर्क भी मैं दिखाता हूँ आपको, लकड़ी का काम है, रॉयल का एशियन पेंट है इस पर, इसलिए फिनिशिंग इतनी अच्छी है। दोनों ड्राइंग रूम में सेम जगह आपको प्रोविज़न मिल जाएगी, ऊपर एंड ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे। सीलिंग आपको एज इट इज़ मिल जाएगी विद प्रोफाइल लाइट, जो लाइटिंग क्वांटिटी है एज इट इज़ मिल जाएगी आपको। कर्टन्स एंड फर्नीचर नहीं मिलेगा इसमें, बेड सोफे वगैरह और कर्टन्स वगैरह वो आप खुद ही अपने लगवा लोगे। ये पैनल जो किचन का पैनल है आपको एज इट इज़ मिल जाएगा बीच में, और जो डोर्स हैं एज इट इज़ ही सारे डोर्स मिलेंगे आपको, जिन पे पॉलिश वर्क रहेगा। LT के स्विचेस मिल जाएंगे आपको, हैवर की वायर मिल जाएगी। गोदरेज के जैसे मैंने बताया 2.5x5.5 की फ्लोर टाइल आपको मिल जाएगी ग्राउंड फ्लोर पे, स्पेस अच्छी है। और यहाँ पे 4 सीटर जो हमारा डाइनिंग है, यहाँ पे 7 सीटर भी आप कर सकते हो, बिल्कुल साथ में आ जाता है मॉडलर किचन जो बहुत स्पेशियस है, एज इट इज फर्स्ट फ्लोर की रहने वाली है। फ्रंट का सरमाइका ग्लॉसी, अंदर भी सरमाइका वर्क है, वॉल टाइल 2x4 की वॉल टाइल लगी हुई है सारी, अरोका की टैब है, एज इट इज मिल जाएगा आपको। ग्राउंड का जो कबर्ड्स हैं ग्लॉसी सरमाइका ग्रे में, एज इट इज़ मिल जाएगा। 7 डेज अवेलेबलिटी मोस्ट वेलकम है, गुड विशेज रहेंगी, अच्छी चीज़ मिले आपको, हमारे पास लो कहीं पे भी लो, बस आपको बढ़िया चीज़ मिले। रिलेटिव से दूर खुद सर्च करो, 5-10 चीज़ें देखो, लोकेशन रोड टू साइट व्हीकल डिस्टेंस, लोकेशन मटेरियल, खुद ही आपने चीज़ अपने डिसाइड कर पाओगे, बजट भी साथ में लेके चलोगे, हर चीज़ आप क्लोज कर लोगे, अपना ही सिस्टम लेके चलो, किसको साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में रिलेटिव बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर रहे हैं ये, अगर मैं भी खुद कोई कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करूँगा आउट ऑफ स्टेशन तो मैं खुद ही सर्च करूँगा, अच्छी चीज़ भी हाथ से चली जाती है। और जो सबसे मेन चीज़ है ये लकड़ी की चुगाठ बोल देते हैं इसको पंजाबी और हिंदी में, ये चुगाठें सुडान टीक की हैं सारी, और सब पे पॉलिश वर्क रहेगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग जो है इस पे हुई हुई है। जितने विंडो चुगाठे दरवाजे हैं सब पे पॉलिश वर्क है। बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम, 2x4 की वॉल टाइल है अंदर, एज इट इज ही आपको सीलिंग मिल जाएगी विद प्रोफाइल लाइट, जो ये प्रोफाइल लाइट है। बैक पैनलिंग मिल जाएगी, ये सारी बैक पैनलिंग यहाँ पे डिको हुआ हुआ है, क्रीम सॉरी ग्रे डिको है, ग्रूव वाली टीक प्लाई है, और यहाँ पे एज इट इज ही आपको प्रोफाइल लाइट मिलेगी, बैक पैनलिंग तक दे रहे हैं हम सारे विलाज में। और ये बेड है, बस यहां से लेके वहां तक बेड ही नहीं है, स्पेस अच्छी रहेगी, ये वाली चीज की बात कर रहा था मैं आपको, एज इट इज बैक पैनलिंग मोल्डिंग वगैरह सब कुछ, ये सीलिंग का काम नहीं है, ये लकड़ी का है, ये भी लकड़ी का है, विद प्रोफाइल लाइट बैक साइड पैनलिंग मिल जाएगी। अटैच वॉशरूम के साथ 2x4 की वॉल टाइल है, रोका की बाथ फिटिंग है, एज इट इज वॉल हैंगिंग शैंक वॉल हैंगिंग सीट मिल जाएगी आपको, रोका की टैब है, यहाँ पे 2x4 की वॉल टाइल है, इसको काट के लगाया हुआ है, वैसे तो इसकी चौड़ाई 2 और 4 है इधर को, सेम जगह वेंटिलेशन मिल जाएगी चारों बेडरूम्स में एज इट इज। कबर्ड्स चारों बेडरूम में सेम डिज़ाइन मिल जाएगा, मैट सरमाइका रहेगा ग्रे में, और सामने जो वॉल है यहाँ पे आपको डिको करके दे रहे हैं, क्रीमी डिको है वॉल के ऊपर, ये मोल्डिंग है एज इट इज ही मिलेगी, मोल्डिंग का वर्क LCD पैनल का, यहाँ पे ड्रेसिंग एज इट इज मिल जाएगा, LCD पैनल एंड ड्रेसिंग पे भी हमने डिको किया हुआ है। LT के स्विचेस रहेंगे, कबर्ड्स है, अंदर भी सरमाइका वर्क रहेगा,
ये था हमारा बेडरूम, चारों बेडरूम सेम साइज के हैं। अभी फोर्थ में एंटर करते हैं, स्पेस अच्छी है, 2x4 की वॉल टाइल है, रोका की बाथ फिटिंग, डिजाइन का फर्क है, अपना मटेरियल सेम है, डिजाइन का फर्क है, रोका की टैप है, सब कुछ रोका का है। जो वॉल टाइल का डिजाइन है उसकी बात कर रहा हूँ, क्रीम एंड डार्क में यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, उधर वाइट एंड ग्रे में रहेगा, यहाँ पे उधर था ग्रे सरमाइका लाइट, यहाँ पे क्रीमी है सामने कबर्ड्स में। एलसीडी पैनल चारों बेडरूम्स में अलग अलग डिजाइन है, पॉलिश का वर्क है, डिको का वर्क है, बैक पैनलिंग आपको एज इट इज मिल जाएगी, कबर्ड तो आपको चारों बेडरूम्स में एज इट इज मिलेंगे, स्पेस बहुत अच्छी है यहाँ पे, सीलिंग आपको एज इट इज मिल जाएगी, पीछे वॉशिंग एरिया स्पेशियस, यहाँ पे वेंटिलेशन है दोनों बेडरूम्स की और दो अटैच वॉशरूम, यहाँ पे भी हम टाइल लगा के देंगे, वो मैं ग्राउंड फ्लोर पे अभी इसी टाइम दिखा देता हूँ। जो साथ वाला विला हमने कस्टमर का रेडी किया है, रजिस्ट्री हो चुकी है उसकी, पर अभी हम उन्होंने मूव नहीं किया, यहाँ पे बैक साइड की फिनिशिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे पीछे अभी सैंपल का हमारा जो बैक साइड पे है 200 गज के विला बनाए हैं 2,20,00,000 रुपये के। ये मैं एक बार साथ वाला विला दिखा दूँ पीछे से, फिर मैं फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ आपको। ये देखो जी, आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अलग लगेगी, ये हमारा सैंपल है, आपको एज इट इज ही देंगे सैंपल, सॉरी सैंपल के अलावा हमने सारे विले जैसा हमारा सैंपल है बगैर कर्टन्स एंड फर्नीचर के एज इट इज ही बनाए हैं। बैक पैनलिंग जैसे मैंने बताया था, एलसीडी पैनल चारों बेडरूम्स में अलग अलग डिज़ाइन के हैं। मैं लेकर आया हूँ आपको बैक टाइल दिखाने, उधर थोड़ा सा गंदगी, थोड़ा सा पीछे काम चल रहा था, यहाँ पे पेंट नहीं था, पीछे हमारे ये 200 गज की कोठियाँ बनी हैं 5 BHK, तो ये है 2,20,00,000 रुपये की बैक साइड वाली, तो इन्होंने यहाँ पे हमारा काम करवाया नहीं है इधर की तरफ, तो हम खुद फिनिशिंग करके दे रहे हैं वॉल की ना, पहले तो हम टाइल लगा के दे रहे हैं पीछे वाली बालकनी में। फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको एज इट इज मिल जाएगी और सारी ये बैक साइड आपको ओपन रहेगी, पीछे स्पेस अच्छी है, वॉल टू बालकनी स्पेस बहुत है, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीछे वाली वॉल आपको एज इट इज ही पेंट करके देंगे। अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के, हमारे सैंपल के, इसके नहीं हमारे सैंपल के। एक चीज होती है दिखा के बेचनी, एक चीज होती है कि दिखाया और जो बनाया वो भी दिखा दिया आपको। यहाँ पे स्टेयर का स्पेशियस एरिया रहेगा, यहाँ से ग्राउंड से लेके टॉप फ्लोर तक आपको फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से कोई भी रस्सी के साथ कोई भी जो सामान है, कोई भी चीज़ आप कैरी करनी है, अपना सोफ़ा वगैरह, कोई भी चौड़ी लंबी चीज़ है वो आपको यहीं से आप लेकर जा सकते हो। फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से रस्सी के साथ सामान खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फर्स्ट फ्लोर पर। ये पैनल लगा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, पहले दिखाता हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर की बालकनी। ये रहेगा हमारा स्पेशियस ड्राइंग रूम, बेडरूम के साथ अटैच है। सेम रहेंगे बेडरूम, अटैच वॉशरूम, 2x4 की वॉल टाइल है, एज इट इज बना हुआ है, एलसीडी पैनल जैसे मैंने बताया था अलग अलग डिजाइन के हैं, स्प्लिट एसी की प्रोविजन है, चारों बेडरूम्स की मैं दी हुई है दोनों ड्राइंग रूम्स में। यहाँ पे आपको वॉल पे कोई वर्क नहीं मिलेगा, जैसा आप देख रहे हो एज इट इज आपको फर्स्ट फ्लोर सारे मिलेंगे।
बैक साइड बालकनी है वो भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट फ्लोर फ्रंट एलिवेशन तो दिखाई दिया, टॉप फ्लोर पे मॉन्टी है स्टोरेज कर सकते हो। और ये जो हमारे एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ जो सबसे मेन चीज़ है, कंस्ट्रक्शन अभी ख़त्म हो चुकी है ना, कई चीज़ें आपको हम क्लियर भी नहीं कर सकते, दिखा भी नहीं सकते। पुरानी वीडियो देखोगे तो मिल जाएगा। ये कॉलम है 1x9 का, वहाँ पे भी दिया हुआ है, ये कॉर्नर निकला हुआ है ना। देखो जी ये है लाइव वीडियो, जो बाकी जनता है वो बनाती है शॉर्ट्स और काट काट के अपने को दिखाते हैं, पर मैं अपने आप को नहीं दिखाता, मैं दिखाता हूँ काम को। ये दो कॉलम है 1x9 के, एक इधर है, एक यहाँ पे रहेगा, एक वहाँ पे है। टोटल 8 कॉलम है। एक स्टेयर के एरिए में जो हमारा डोरबीम प्लस कॉलम है उसको 9 मान लो, वैसे आप 8 मान के चलो, 1x9 के कॉलम रहेंगे। यहाँ पे जो फ्लोर टाइल है वो 4x4 की फ्लोर टाइल रहेगी। और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने आप को नहीं दिखा रहे, काम को दिखा रहे हैं, क्वालिटी को दिखा रहे हैं। बाकी गुड विशेज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, बेस्ट प्रॉपर्टी मिले, ऊपर वाला आपको अच्छी चीज़ दिलवाए। गॉड ब्लेस यू है मेरी तरफ से, प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हो गुड विशेज़ रहेंगी, सर्च करो बेस्ट प्रॉपर्टी मिले, टॉप फ्लोर पे मॉन्टी है, स्टोरेज कर सकते हो। ये कॉलम निकाले हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे। अगर आपने थर्ड फ्लोर बनानी है तो नक्शा पास हो गया जाएगा। जलवायु टावर की बिल्डिंग है ये, सेक्टर 123 है इधर पीछे, ये 125 है इधर भी, 125 है, सारा न्यू सा नहीं निकलेगा। मोस्ट वेलकम है जी, आओ विजिट करने।